अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो ये मैं भी थोड़ा बाहर निकली थी तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर करूँ। ये हमारे घर के पास ही एक दुकान है फ्रूट वाली और सब्ज़ी वाली, वहाँ से फ्रेश वगैरह सब्ज़ी और फ्रूट वगैरह मिलता है, तो मैं वो लेने जा रही थी। तो मैंने कहा चले मैं आप सबको भी साथ दिखाती हूँ और साथ साथ मैं कोई थोड़ी बहुत चीज़ें भी ले लेती हूँ और आप सब लोग सुनाएं क्या हाल चाल है। और ये देखें जी, मैं बिल्कुल दुकान के पास आ गई हूँ। आए अंदर चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये चाइनीज़ की दुकान है, ये बास्केट हमने ले लिए, इधर से सब्जियाँ वगैरह और फ्रूट ही हम ज़्यादातर लेते हैं क्योंकि इनसे ताज़े मिल जाती हैं और सारा फ्रूट वगैरह मिल जाता है। ये देखिए जी, आ गए हम सब्जियों के कॉर्नर में। और ये देखिए जी, इधर क्या क्या पड़ा हुआ है, मूलियाँ भी पड़ी हुई हैं, गाजरें वगैरह, आलू, यहाँ पे भी सब कुछ मिल जाता है। ये देखिए बनाना वगैरह, ये देखिए जी तरबूज, इन्होंने काट के भी रखे होते हैं और वैसे भी होते हैं, जो जितना चाहे ले सकता है। ये देखें हर एक चीज़ इधर से मिल जाती है। ये देखें माल्टे, ये देखें जी ये भी एक फ्रूट है जो पाकिस्तान में बहुत महंगा मिलता है, इधर भी काफ़ी महंगा है लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा महंगा है। बच्चे आजकल कार्टून देखते हैं ना तो इधर वो खा रहे होते हैं अंदर, तो बच्चे कहते हैं कि हमें भी ये चाहिए पाकिस्तान में। मेरी बहन जी है, उसको बड़ा पसंद है, वो कहती होती थी हाला मैंने भी ये खाना है, ये किधर से मिलता है। तो तब तो उधर से मिलता कुछ था लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात में इतनी तरक्की हो गई है, हर एक चीज़ मिल जाती है। ये देखें ये देखें, कच्चे आम, और ये देखें ये सब्जियां, भिंडियां, करेले, बैंगन, हर एक सब्जी भी यहाँ पे है जो हम चाहे ले सकते हैं। ये देखें सब कुछ यहाँ से मिलता है। पाकिस्तान से लेकिन आपको ये भी अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे भी आपको हर एक चीज़ मिल जाए, तो यही बहुत नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए, हम पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि हम लोग तो यही चीज़ें सब्जियाँ वगैरह ही पसंद करते हैं ज़्यादा। और चले हम भी ये लेते हैं। ये कीवी है, ये भी लेते हैं हम भी। ये लेमन चेक करें कितना बड़ा साइज है लेमन का। ये देखें ये फ्रेश धनिया, पुदीना वगैरह, ये भी धनिया लगा हुआ है। हम भी चलते हैं अब काउंटर की तरफ और फिर घर जाते हैं।
ये देखें, चाइनीज़ ने बहुत बड़ी यहाँ पे दुकान खोली हुई है नार्वे में। हाँ जी, हमने भी ले लिया थोड़ा बहुत जो घर के लिए ज़रूरत थी, अब हम घर की तरफ चलते हैं। ये जो सामने लगे हुए ये सारे चेरी के दरख्त हैं, तो अभी तो चेरी ख़त्म हो चुकी है, पहले तो काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी। तो ये देखें, और आप लोग सब सुनाए, हमारे बच्चे तो बहुत एक्साइटेड होते हैं वीडियो बनाने में, स्कूल जाते हुए भी कहते हैं कि उठे पहले हमारी वीडियो बनाएं, और आते ही बोलते हैं कि वीडियो बनाएं। तो बच्चों को हौसला देना चाहिए ताकि वो और ज़्यादा आगे को निकलें, इस तरह उनकी हौसला अफजाई करें, तो बच्चे आगे मज़ीद कुछ ना कुछ लगे रहते हैं। तो अगर उनकी हौसला अफजाई ना की जाए तो वो फिर उधर ही उनकी सलाहें दब जाती हैं, क्योंकि हम में से तो कोई भी व्लॉगिंग नहीं करता, हम तो सिर्फ बच्चों के लिए शुरू की है कि हमारे बच्चों का दिल करता है वो व्लॉग देखते हैं और उनका भी दिल करता है, तो फिर हमने कहा चले बच्चों का साथ तो देना ही चाहिए ना, हम उनका साथ देंगे तो वो तरक्की करेंगे ना आगे भी और भी कामों में। ये अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, इधर लिफ्ट भी लगी है और सीढ़ियाँ भी हैं, तो सेहत के लिए भी सही है, बेहतर है कि हम सीढ़ियों से ही जाएँ। ये देखें जी, ये सारा सेंटर है, ये एंट्रेंस है सेंटर की, काफी बड़ा सेंटर है, ये भी एंट्रेंस है। अब तो काफ़ी ज़्यादा ये बंद हो गई हैं दुकानें, ये एंट्रेंस हमारे घर की, अब हम घर एंटर हुए हैं। तो ठीक है, फिर आपसे बात होगी, तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह फिर बात होगी, सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।